हे गाइस, दिस इज शिवम परिहार एंड यू आर वाचिंग परिहार डॉग चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज की इस वीडियो आप लोगों के लिए दो ब्रीड लेकर आया हूं, जिसमें रॉटवाइलर ब्रीड के पपीज़ हैं और जर्मन शेफर्ड ब्रीड के पपीज़ हैं। जो रॉटवाइलर ब्रीड के पपीज़ हैं वो शो क्वालिटी के हैं, क्वालिटी आप लोग देख सकते हैं, जो क्वालिटी है वो आपके सामने है। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को आखिरी में जर्मन शेफर्ड ब्रीड के पपीज़ दिखा दूंगा। अगर आप लोग जर्मन शेफर्ड ब्रीड को परचेज करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये रॉटवाइलर ब्रीड के पपीज़ हैं, क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है, आप लोग देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग इन पपी को परचेस करना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, फुल वॉच करें। फ्रेंड्स, मैं आगे चल के मैं आप लोगों को इन पपीज़ के मदर फादर की मैचिंग की वीडियो एंड फोटो दिखा दूंगा, जिससे आप लोग क्वालिटी का एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि आगे चल के इन पपीज़ की क्वालिटी कैसी रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये रॉटवाइलर ब्रीड के पपीज़ हैं, क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है, आप लोग देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको एक अच्छा गार्ड डॉग चाहिए तो आप लोग रॉटवाइलर ब्रीड को परचेस कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छे गार्ड डॉग होते हैं। अगर आप लोग इन्हें अच्छे से सोशलाइज कर देते हैं तो फ्यूचर में चल के आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोग इन्हें ईजिली रख सकते हैं। इन्हें सोशलाइज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ह्यूमंस के साथ और दूसरे एनिमल के साथ भी। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये पपी के मदर फादर की मैचिंग की वीडियो है, क्वालिटी आप लोग देख सकते हैं। ये अमेरिकन रॉटवाइलर है, क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है, मदर फादर की काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। तो फ्रेंड्स, आप लोग पपीज की क्वालिटी का एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि आगे चल के पपीज की क्वालिटी कैसी रहेगी। सो फ्रेंड्स, वीडियो आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे मिले आपको मेरी सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। और फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर क्वालिटी ब्रीड के साथ विश्वास भी देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग ने पपीज़ की क्वालिटी देख ही ली है, तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको इन पपीज़ की एज प्राइज और लोकेशन के बारे में बता देता हूँ। फ्रेंड्स, अभी ये पपी 35 दिन के हो चुके हैं, यानी कि ये पपी 35 डेज ओल्ड हैं, क्वालिटी जो है वो आपके सामने है। और फ्रेंड्स, इनकी जो लोकेशन है वो है हरियाणा कुरुक्षेत्र पेहोवा। ये दोस्तों, इनकी लोकेशन हरियाणा कुरुक्षेत्र पेहोवा है। सेलर जो है वो आप लोगों को इन पपीज़ के ऊपर डिलीवरी प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे, तो फ्रेंड्स आप लोग डिलीवरी के चक्कर में ना पड़े, आप लोग वहाँ पर डायरेक्ट विजिट करके इन पपीज़ की क्वालिटी चेक करके आप लोग इन पपी को परचेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये पपी की मदर है, क्वालिटी आप लोग देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये पपी का फादर है, फादर की क्वालिटी काफ़ी अल्टीमेट है, काफ़ी अल्टीमेट का फादर है। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, अगर आप लोग इन पपी को परचेस करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। आपको सेलर का कॉन्टैक्ट नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सेकेंड ब्रीड की ओर चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जर्मन शेफर्ड ब्रीड के पपी हैं, ये फीमेल पपी है, इसमें मेल एंड फीमेल दोनों ही मिल जाएंगे, जो क्वालिटी है वो आपके सामने है, ये डबल कोट में है। फ्रेंड्स, अगर आपको एक अच्छा गार्ड डॉग प्लस फैमिली डॉग्स ब्रीड चाहिए तो आप लोग जर्मन शेफर्ड ब्रीड को परचेस कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छे गार्ड डॉग प्लस फैमिली डॉग होते हैं। और फ्रेंड्स, ये डॉग्स ब्रीड बहुत ही इंटेलिजेंट होती है, अगर आप लोग इन्हें कुछ भी सिखाते हैं तो बहुत ही जल्दी सीख जाते हैं, इन्हें ट्रेंड करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, आप लोग इन्हें ईजिली ट्रेंड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई अच्छी क्वालिटी के डॉग या पपी हैं जिसे आप लोग सेल करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे उसकी फोटो, वीडियो, उसकी डिटेल मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिए, आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से अवेलेबल हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये मेल पपी है, इसमें एक मेल और एक फीमेल ही है, ये डबल कोट में है, क्वालिटी जो है वो आपके सामने है। और इनकी जो लोकेशन है वो है ग्वालियर MP से। जी दोस्तों, इन पपीज़ की लोकेशन ग्वालियर MP से है और ये पपी मेरे थ्रू ही मिल जाएंगे, अगर आप लोग इन्हें परचेस करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से अवेलेबल हो जाएगा। और फ्रेंड्स, इन पपी की एज है वो है 50 दिन, यानी कि 50 डेज ओल्ड पपी है। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को इन पपीज़ के ऊपर डिलीवरी प्रोवाइड करवा दूंगा। और फ्रेंड्स, इनका जो प्राइस है वो है मेल के लिए 12,500 रुपये और फीमेल के लिए 10,500 रुपये।
सो फ्रेंड्स, मैंने आपको शेयरिंग इन्फॉर्मेशन दे दी, अगर आप लोग इन्हें परचेस करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो कंप्लीट देखने के लिए थैंक यू सो मच। देखते रहिए आपका अपना फेवरेट चैनल परिहार डॉग कैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।